पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टैन चैनल के ऊपर तो चलिए शुरू करते हैं आज की आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से पढ़े लिया होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का कि आप लोगों का जब रियूनियन पहली बात तो ये आप लोगों का रियूनियन होगा का ठीक है और अगर होता है तो ये होने से पहले कितने दिन पहले आपको क्या क्या साइंस मिलेंगे क्या क्या होगा ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं बेसिकली आज हम रियूनियन के ऊपर बात करने वाले हैं जिन लोगों को नहीं पता रियूनियन क्या होता है वो उन लोगों को बता दूं कई भोले बच्चे होते हैं ऐसे जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ रियूनियन का मतलब है कि एक सेपरेशन के बाद आप दोनों का वापस से मिलना एंड मोर ओवर ये मिलना है स्पेशली रि यूनियन जो है या रिकन्सुलेशन जो है मुझे स्पेशली याद दिलाता है ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज और सोलमेट एनर्जीज के बारे में क्यों क्योंकि ये चीज ना कहीं ना कहीं है ही कि आप क्योंकि मैंने इस चीज को जिया है और आप लोग भी जीते हैं इस चीज को कहीं ना कहीं कि जब तक आप लोग अंदर से हील नहीं हो आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन नहीं होगा रिकन्सुलेशन नहीं होगा अगर आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो या फिर सोलमेट एनर्जीज में हो है ना तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपका रियूनियन कब तक होने के चांसेस है और रियूनियन होने से पहले आपको कौन से साइन और कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपने अंदर ठीक है तो क्या होगा ना ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जिन लोगों का रियूनियन अभी गुजरी हुई बीस तारीख को नहीं हुआ है मैंने आप लोगों को बोला था कि बीस तारीख को काफी लोगों के रियूनियन होंगे एंड ट्रस्ट में गाइस काफी तो मैंने आप लोगों से शेयर कर ही दिए थे कम्युनिटी पे काफी मैंने इंस्टा पे शेयर करे थे और काफी अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं मेल्स के अंदर काफी लोगों के मैसेजेस और कम कमेंट uh, सेक्शन में भी मैंने देखा था तो काफी लोगों के रियूनियन हुए लेकिन अभी भी कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारे रियूनियन नहीं हो रहे हैं तो गाइज आप लोग ये देखने की कोशिश करें कि आप क्या ऐसी गलती करें जिसकी वजह से आपका रियूनियन कैंसिल हो जाता है बार बार ठीक है तो वो हम चेक इन कर ही लेंगे अभी अरे हम लोग देख लेते हैं कि रियूनियन कब तक होने के चांसेस दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम ओके ओके नाइन ऑफ पेनिकल्स द दस कार्ड नाइन ऑफ सो हैंगमैन इसलिए नहीं हो रहा आपका रियूनियन दिस इज द कॉज देखो रियूनियन होने के पूरे चांसेस है नाइन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है ठीक है रियूनियन फॉर श्योर होगा आप लोगों का लेकिन एम्प्रेस का कार्ड है एम्प्रेस इज अ कार्ड ऑफ डिले दिस कार्ड शोज डिले इन योर लाइफ एंड ये डिले जो है ये कार्ड ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो डिले हो रहा है आपके जिंदगी में ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से हो रहा है ठीक है ये यू आर द रीजन ऑफ दिस डिले ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज देखो हमेशा याद रखो कभी भी किसी के पीछे रीराओ मत रीरा ना इन सेंस की कि कभी किसी चीज किसी भी बंदे के पीछे आपने ऐसे हाथ जोड़ के ना ऐसे ऐसे निकालना प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है एक तो हम लाइव जा करके बोलते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ एक हम अपने ही मन में बोलते रहते हैं यार कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब होगा कब होगा कब होगा ये जो कब कैसे कहा ये जितने भी डब्ल्यू वाले वर्ड्स है ना ये सारे के सारे आपकी नेगेटिविटी को इनक्रीज कर देते हैं आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं एक्सट्रीम लेवल पे कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो रियूनियन का ऐसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जैसे कि उनकी जिंदगी में और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं हो सकता है आज का वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा हार्श लगे और ऐसा लगे कि जैसे मैं पता नहीं क्या बोल रही हूं हो सकता है कि बहुत लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाएं मुझे कोई टेंशन नहीं है मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोगों तक रियलिटी पहुंचे क्योंकि आप लोग यही मिस्टेक्स क्रिएट कर रहे हो देखो यहाँ पे नाइन ऑफ सोच कार्ड है तो फॉर श्योर यानी कि आप लोग पता है क्या करने की कोशिश कर रहे हो हर वक्त ये सोचते रहते हो कि इस पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है और यही आप सबसे बड़ी गलती क्रिएट कर रहे हो इस बंदे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है लेकिन आप इस बंदे के ऊपर ही स्टक रहते हो ठीक है हमेशा स्टक रहते हो माना प्यार बहुत ज्यादा है ठीक है माना प्यार बहुत बहुत ज्यादा है लेकिन उससे भी कई ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि हमारी बनती है समाज को लेकर के सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को लेकर के फैमिली को लेकर के रिलेटिव्स को लेकर के समाज को लेकर के खुद को लेकर के इन सब में भी सबसे पहले तो मैं बोलूंगी खुद को लेकर फिर पेरेंट्स को लेकर ठीक है तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है हमारी लेकिन हम क्या कहते ना इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो ऐसे ऐसे क्रश करके एक साइड फेंक देते हैं और सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने की कोशिश करते हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा और ये कब आएगा कब आएगा के चक्कर में आप लोगों की सारी जिंदगी स्पॉइल हो जाती है टाइम स्पॉइल हो जाता है मोर ओवर आप दोनों के आप लोगों के साथ में क्या होता है कि आप स्टक इतने ज्यादा हो जाते हो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हो एंड ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग अगर आप किसी एक चीज के ऊपर स्टक हो गए हो तो आपकी जिंदगी को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है सही करना अपनी जिंदगी को गलत करना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है तो जितना हो सके उतना लेट गो करने की कोशिश करो तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर रहे हो आप इस बंदे के ऊपर ही हैंगड रहते हो आप लेट गो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो इसको इसलिए आप दोनों की जिंदगी में डिले चल रहा है एम्प्रेस ओके okay, आप समझ में आया आपको डिले क्यों चल रहा है चलिए तो रियोनियन तो होगा लेकिन डिले है आपकी वजह से आपको इस चीज को बदलना चाहिए अब हम चेक करते हैं कि हमें कौन आपको कौन कौन से साइन मिलेंगे आपके रियोनियन से पहले कौन कौन से साइन मिल सकते हैं ओके कंफ्यूजन आपकी जिंदगी से कोसो दूर चला जाएगा अगर अभी भी आप कंफ्यूज होते हो अभी भी आप ये सोचते रहते हो कि सब कुछ अच्छा कब होगा कैसे होगा मोर ओवर होगा भी या नहीं होगा या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आपके रियूनियन का समय अभी नजदीक नहीं है आप एकदम लाइक फोर ऑफ कप्स की एनर्जी से एकदम निकल करके व्हील ऑफ फॉर्च्यून के एनर्जीज में आ जाओगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि एक बड़ा बदलाव आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करना शुरू कर चुके होंगे आप अपने करियर पे हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश कर रहे होंगे जब जाके आपका रियूनियन होने वाला होगा आप समझ जाना कि अब मेरा रियूनियन होने का समय आ गया है क्योंकि तो अब मुझे क्रेविंग्स नहीं होती है अंदर से अब मुझे फीलिंग ही नहीं आती कि आए या नहीं आए ठीक है फिर है हमारे पास यहाँ पे हाई प्रिस्टेस हाई प्रिस्टेस इन सेंस आप एक बहुत ही अच्छी खासी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो जाओगे आप बहुत कुछ अच्छा कमाने खाना शुरू कर दोगे तब जाके आपका रियोन होना शुरू हो जाएगा ये भी एक प्रोसीजर के तहत होता है फिर हमारे पास फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड फोर ऑफ वॉन्स यानी कि आपको ऐसा इतनी ज्यादा जल्दी नहीं रहेगी शादी होने की इस पर्सन से मिलने की आप काफी ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में नहीं होगे तब जाकर के आपको इस पर्सन के साथ रिकन्सिलियेशन होने का मौका मिलेगा ठीक है चलिए तो ये तो आपके बिहेवियरल हो गए सारे सिम्टम्स अब हम चेक कर लेते हैं कि आपको एटमोस्फेयर से कौन से साइन मिलेंगे एटमोसफेयर से कौन से साइन मिल सकते हैं डिवाइन से एंजल से कौन से साइन मिल सकते हैं कई लोगों को तो मुझे फैदर मिलते हुए नजर आ रहे हैं इनर पीस शांति हो जाएगी आपके दिल में आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचोगे मैनिफेस्टेशन देखो क्लियर सी बात है आप ब्यूटीफुल तरीके से मैनिफेस्ट करोगे लेकिन उसके अंदर स्टक नहीं होगे कई लोग तो ऐसे भी आए हैं, हैं जो कि मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में ही आप लोग क्या है स्टक हो जाते हो ठीक है कैसे ये टेक्निक अभी कर लेती हूँ ये टेक्निक तब कर लूंगी इसको ऐसे कर लूंगी इसको वैसे कर लूंगी बस एक काम के तहत कर रहे हो आप उसको इंजॉय नहीं कर रहे हो आप अपने जिंदगी का हर एक मोमेंट इंजॉय करना शुरू कर दोगे आपको सनफ्लावर्स ठीक है आपको सनफ्लावर्स जो है आपको प्लैनेट्स, ट्रीज यानी कि जितने भी डिवाइन एक जो कि प्राकृतिक चीजें उनके ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा आपको ना आप ऐसा कह सकते हो कि आपको एक तरीके से ना डिवाइन के अंदर जो बाहर की जो प्रकृति है उसके अंदर आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा आप अपने आप से अंदर से ही इनर पीस फील करोगे आप योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जितने भी पावर्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा बिलीव करना शुरू कर दोगे ठीक है मोर ओवर ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रेनबो भी दिख रहा है आप लोगों को रेनबो हो सकता है दिखना शुरू हो जब आपका रियूनियन होने वाला हो तो बेसिकली क्या क्या दिखेगा आपको रेनबो दिख सकता है बर्ड्स दिख सक बर्ड्स दिख सकती है डिफरेंट डिफरेंट कलर की डिफरेंट डिफरेंट अजीब अजीब तरीके की ठीक है आपको ड्रीम्स में सपना आ सकता है कि आप दोनों एक हो रहे हो एंड ऑल ओके okay, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से काफी ज्यादा मतलब स्पिरिचुअल होने का आपका बहुत ही ज्यादा मन करा करेगा और आप हर चीज में सुकून और शांति देखोगे आप नहीं देखोगे आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक है ओनरशिप आप अपने आप से मतलब रखोगे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से आपके जितने भी लेसन है वो सारे के सारे लेसन सीख जाओगे एंड ये वाला कार्ड लेते हैं Empathy, you feel and understand the emotions of another in the service of love. ये सारी चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी guys. जब समझ आएगा आपका reunion बहुत करीब है और एक लास्ट कार्ड ये वाला जो है हमारे पास है प्रायोरिटीज आप ये देखना शुरू कर दोगे कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी प्रायोरिटी मुझे देनी चाहिए जो मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल रही थी कि कई लोग ये समझ समझ ही नहीं रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को ही देते रहते हैं आप लोग इम्पोर्टेंस आप ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि यार उस बंदे को तो चलो हम दे रहे हैं सो ठीक है इट्स ओके okay, लेकिन एटलीस्ट हम खुद को तो दें ओके okay? वो चीजें आप नहीं कर रहे हो तो वो सारी चीजें भी आप करना शुरू करने वाले हो सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग आई होप यू विलॉट इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को खुद से बहुत सारा प्यार करें और जितना हो सके उतना कोविड का टाइम में तो बच के रहें किसी भी तरीके की पर्सनल पीड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ठीक है बहुत सारा प्यार बाय